सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज एक मेरा फ्रेंड आ रहा है अमृतसर से, उसे पिक करने जा रहा हूँ। उसका एक्चुअली फ्लैट की सेटिंग करवानी है, सो उसने फ्लैट लिया है सरिता विहार में, जो कि दिल्ली के साउथ में पड़ता है। उसका फर्स्ट डे है, वो जस्ट अभी पहुँच रहा है, सो अभी उसे पिक करने जा रहा हूँ और फिर हम उसके फ्लैट में जाएंगे, वहाँ पर उसके सामान की सेटिंग वगैरह करवाएंगे। आज शायद दिन इसी काम में जाएगा, सो चलो चलते हैं, फ्रेंड को पिक करते हैं। अभी उसे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पे मिलना है, वो पहुँचने वाला होगा, सो लेट्स गो एंड एक वीडियो बनाते हैं अच्छा सा साउथ दिल्ली का। एंड अभी ये जो चीज़ आप मेरे सामने देख रहे हो, इस टाइप का मैं चाहूँगा कि आप सारे अपने छतों पे रखो। इस टाइप का ये बर्तन सा आता है जिसमें पानी भर के अपनी छतों पे रखना चाहिए सभी को, बिकॉज गर्मी काफ़ी हो रही है और ये पंछियों के लिए पानी भर के रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा उनके लिए। काफ़ी पंछियों को पानी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, सो ऐसे बर्तन अपनी छतों पर रखने चाहिए। सो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे, मेरा मेट्रो स्टेशन, एंड यहाँ से मुझे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो पकड़नी है। बाकी आज गर्मी बहुत है दिल्ली में, आई थिंक टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है और आफ्टरनून में और भी ज़्यादा होगा। अभी तो बस 11 बज रहे हैं सुबह के, तो चलो मेट्रो की वेट करते हैं और चलते हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर दोस्त मिलेगा, सो फिर वहाँ से हमें वॉयलेट लाइन से सरते बिहार जाना है। चलो देखते हैं कब तक आती है मेट्रो। सो गाइस राइट नाउ आई एम प्रेजेंट एट प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मुझे मेट्रो छोड़नी पड़ गई बिकॉज कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेट्रो जा नहीं रही थी आगे, सो इसके आगे वाला स्टेशन ही मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है। सो अभी एक और मेट्रो आएगी, उसमें बैठ के सीधा मंडी हाउस उतरेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो व्यू बहुत ही अच्छा है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सो गाइस फाइनली मेरा दोस्त आ चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सरिता विहार। अभी मेट्रो की वेट कर रहे हैं, सो मेट्रो बस 5 मिनट में आने वाली है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरिता विहार और अभी जाएंगे दोस्त के न्यू फ्लैट में, वहां पे उसकी सेटिंग करवाते हैं सामान वगैरह की। और आप देख सकते हो ये सरिता विहार का मेट्रो स्टेशन है, काफ़ी खाली खाली सा है, जैसे मतलब मोस्टली जो न्यू दिल्ली के मेट्रो स्टेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, बट ये काफ़ी खाली खाली सा है। और यहाँ पे लोटस टेम्पल, कालकाजी टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल, तीनों टेम्पल यहाँ पे बहुत ही क्लोज पड़ते हैं। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। रिक्शा में एंड वी आर गोइंग टू द लोकेशन जहाँ पे फ्लैट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनीज काफी ज्यादा है। मेरे राइट साइड में विप्रो है, इसमें ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, काफी कंपनीज है यहाँ पे सरिता विहार में। और अभी हम जा रहे हैं फ्लैट की लोकेशन पे, वहाँ देखते हैं फ्लैट कैसा है। सो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बर्तन बाजार एरिया में सरिता विहार के, और यहां से अभी फ्लैट की लोकेशन करने जा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं फ्लैट।
जो ओनर है उसे कॉल करने जा रहा हूँ। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्त के फ्लैट पे, और ये फ्लैट की बालकनी है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मोस्टली फ्लैट्स हैं, आप देख सकते हो सामने भी सारे फ्लैट बने हैं। और यहाँ पे देखो बेचारे जो ये वर्कर्स हैं कितनी धूप में काम कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग हैं इंडिया में। सो दिस इज़ द बालकनी। तो चलो अभी आपको अंदर से फ्लैट दिखाता हूँ कैसा दिखता है। लेट्स गो। दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ द फ्लैट एंड यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लैट है, खुला डुला फ्लैट है। दो बेड्स हैं यहाँ पे, दो अलमीराज हैं, और ये के सिंक है, और ये रहा वॉशरूम, ठीक है। सो इस फ्लैट की कॉस्ट है 5,000 रुपीज़। सो अगर आप सरिता विहार में रहना चाहते हो दिल्ली के, तो आपको 5,000 में इस टाइप का कुछ फ्लैट मिल जाएगा। बट अगर आप प्रीत विहार या निर्माण विहार की तरफ लेते हो, सो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 10,000 तक के फ्लैट मिल जाते हैं, इतने खुले खुले फ्लैट नहीं मिलते। तो ये काफ़ी अच्छा फ्लैट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये बालकनी है यहाँ पे, और ये आउटसाइड का एरिया है। अभी हम बाहर निकले हैं कुछ शॉपिंग के लिए, बिकॉज जो नेसेसरी सामान चाहिए उसकी शॉपिंग कर रहे हैं। तो यू कैन सी काउ वॉकिंग ऑन द रोड, एंड यहाँ से हमें लेना है एक मटका लेना है जिसमें पानी भर के रख सकते हैं, बिकॉज उसमें पानी काफ़ी ठंडा रहता है। सो वही लेने जा रहे हैं, अभी देखते हैं। सो अभी हम प्रेजेंट है गद्दे की शॉप है यहाँ पे प्रेजेंट है। सो गद्दा परचेज कर रहे हैं फ्रेंड के लिए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के गद्दे हैं और प्राइस भी काफ़ी हाई है। सो अभी हमने ये वाला सिलेक्ट किया, ये ऑलमोस्ट 500 का पड़ा है हमें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो अभी देखो और क्या क्या शॉपिंग करनी पड़ती है, अभी तो मेन काम हो गया गद्दा खरीद लिया। सो गाइस रूम की ऑलमोस्ट सेटिंग हो गई है, जो भी थोड़ा छोटा मोटा सामान खरीदना था हमने खरीद लिया है, थोड़ी सी शॉपिंग करी है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंपनी जहाँ पे हमारे फ्रेंड की जॉब लगी है, वहाँ पे जा रहे हैं अभी कंपनी देखने जा रहे हैं। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। आज काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है एक्चुअली। पहले हमने फ्रेंड का जो है उसका फ्लैट सेटिंग करवाया, फिर शॉपिंग की थोड़ी सी, और अब उसकी कंपनी का एड्रेस हमने कन्फर्म कर लिया है। सो कल से उसकी ज्वाइनिंग है, एंड राइट नाउ आई एम प्रेजेंट एट नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। So now I will see you soon in the next video. Till then, bye-bye and take care.